नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi के Redmi Go की, और आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में उसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, और आपको उसकी स्पेसिफिकेशन और रिव्यू के बारे में भी बताने वाले हैं। इसमें आपको कौन कौन से फीचर अवेलेबल मिल जाते हैं और कौन से नहीं मिल जाते। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, पर ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है, इसलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको स्पेसिफिकेशन भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको Redmi Go का कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगता है, कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन बजा कर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, Redmi Go का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, पर ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। हमने किसी से ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि हमारे पास बहुत कम कीमत में आया है। सिर्फ इसकी कीमत, अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो सिर्फ इसकी कीमत लगभग 5,000 के बीच में होने वाली है, इतना अप्रोक्सीमेटी है। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च अभी तक नहीं हुआ, जब इंडिया में लॉन्च होगा तब इसकी फाइनल प्राइस होगी। इंडिया में क्या पता कितनी होगी कितनी नहीं होगी, पर ये बाहर के ग्लोबली लॉन्च में सिर्फ 5,000 की प्राइस बोला गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हर तरफ Redmi Go का आपको देखने को मिल जाता है, ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और ऊपर की तरफ, बैक की तरफ। अब इसके बॉक्स कॉन्टैक्ट की बात करें, इसमें आपको 5 इंचज़ की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में साथ इसमें आपको कैमरा, जो कि है 8 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। जल्दी से जल्दी इस बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको Redmi Go का फर्स्ट लुक दिखाते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, Redmi Go का बॉक्स ओपन करते ही आपको Redmi Go का फ़ोन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन और लिखी होती है। इसको निकालते हैं बार, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये हमारे को ब्लू कलर में है, जो कि हमारे पास है ब्लू कलर का है। इसको इसमें आप ड्यूअल सिम लगा सकते हो और विद मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। इसमें दो आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड एक सिम लगा सकते हो। इसको भी रखते हैं साइड पर और चलते हैं अपने बॉक्स कॉन्टैक्ट की तरह। आपको इसमें और क्या देखने को मिल जाता है, इसमें आपको एक सिम अडाप्टर टूल देखने को मिल जाती है, और साथ में कुछ मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको अडाप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि हालांकि ठीक ठाक ही है। इसमें आपको 5 वोल्ट का चार्जर स्पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 5 वोल्ट का चार्जर है, और इसमें आपको माइक्रो USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, यही था Redmi Go का बॉक्स कॉन्टैक्ट, जिसमें आपको Redmi Go में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने फ़ोन को बूट करके आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसमें आपको 5 इंचज की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि HD स्क्रीन है। फुल HD स्क्रीन नहीं देखने को मिल जाती, HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन जो कि पुराने जैसे फ़ोन होते थे, वैसे आपको स्क्रीन देखने को भी मिल रही है, जो कि पुराने फ़ोन जो 3500 कितने भी सैमसंग के जो न्यू स्मार्टफोन आए थे, वैसे आपको Redmi Go भी का देखने को मिल जाता है स्क्रीन की तरफ। और पीछे की तरफ आपको पॉली कार्बेट की सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक लुक है, पर पॉली कार्बेट बहुत ही अच्छी ब्लू कलर में देखने को मिलता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप पीछे की तरफ आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है, नल फ्लैश देखने को मिल जाती है, साइड में आपको पावर लॉकर और वॉल्यूम लॉकर भी देखने को मिल जाता है, और दूसरे ऊपर की तरफ आपको 3 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको 2 SIM अडाप्टर टूल देखने को मिल जाती है, जिसमें आप एक सिम लगा सकते हो, एक मेमोरी कार्ड और सिम लगा सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, और माइक्रो USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। बस इतना ही था फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अभी चलते हैं इसके और प्रोसेसर और स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम इसके स्क्रीन की बात करें, इसमें आपको 5 इंचज की HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि इतने कम प्राइस में HD स्क्रीन देखने का बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको पुराने लुक की तरह, जो कि न्यू स्मार्टफोन चलाना चाहते हैं उनके लिए स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, जो कि लो प्राइस में, चीप प्राइस में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है Redmi Go। इसमें आपको स्नैपड्रैगन
425 का स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको, और इसमें आपको ओएस की बात करें, इसमें आपको रेडमी का ही गो वर्जन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि रेडमी भी अपने इस स्मार्ट नीचे जो कि 5000 के नीचे स्मार्टफोन है उनमें से ये रेडमी गो का न्यू वर्जन है जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी स्टोरेज की बात करें, इसमें आपको 1 GB रैम प्लस 8 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आप स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो मेमोरी कार्ड लगाकर, मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब इसके कैमरे की बात करें, आपको बैक की तरफ 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें आपको बैक की तरफ 8 MP का और सेल्फी कैमरा आपको 5 MP का देखने को मिल जाता है। कुछ सैंपल ये है जो कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में, जो कि दूर से भी सैंपल बहुत क्लियर सैंपल आपको पिक्स देखने को मिल जाती है, एक एक डिटेल में आपको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं इस कैमरे में। ये मुझे फीचर बहुत सबसे बेस्ट लगा जो कि 8 MP का कैमरा भी दिया है, वो भी इतनी क्लियर फोटो के साथ आप बड़े इस्तेमाल से सेल्फी खींच सकते हैं। और इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि 5000 की रेंज में ये फ़ोन स्मार्टफोन आने वाला है इंडिया में, और इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। ये बड़े आराम से आप एक या डेढ़ दिन बड़े आराम से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। बस इतना ही था Redmi Go की स्पेसिफिकेशन के बारे में और रिव्यू के बारे में। जैसे कि आप सब ने फर्स्ट लुक देख ही लिया होगा इस वीडियो में, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको Redmi Go में कौन सा सबसे बेस्ट फीचर लगा है, जरूर हमको कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।